हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टेक कैंपस चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेलिस्ट का फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस कैसे इम्प्लीमेंट होती है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट है उसका C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। चूँकि ये जो नाम है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है इसमें, चूँकि कॉल बाय रेफरेंस के नाम से एक और प्रोग्रामिंग फंक्शन कॉल बाई टेक्निक है वो सी लैंग्वेज में, जिसको हम लोगों ने क्लियर किया पिछले वीडियो में कि कॉल बाई रेफरेंस जो है हमारा वो कॉल बाई एड्रेस है C++ में। और कॉल बाई रेफरेंस एक नया टेक्निक है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें एक स्पेशल वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल के नाम से वो जाना जाता है। उसको आज हम लोग जानेंगे कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है और कैसे उसे हम लोग मेमोरी की सेविंग करते हैं और कैसे उसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। आज उसके बारे में ही वीडियो है हमारा। तो अगर आप हमारे इस वीडियो और इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो आप जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस इन C++ लैंग्वेज, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिकॉज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन कॉल बाई रेफरेंस में हम लोग पॉइंटर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे C++ लैंग्वेज में कॉल बाई रेफरेंस में हम लोग स्पेशल वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस वेरिएबल है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। रेफरेंस वेरिएबल एक ऐसी वेरिएबल है जो कोई मेमोरी नहीं लेती है, ये मेमोरी को शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑलरेडी कोई वेरिएबल बनाए हुए हैं, अगर हम चाहते हैं कि किसी और नाम से इस मेमोरी को, जो वेरिएबल ऑलरेडी हम क्रिएट किए हुए हैं, उस वेरिएबल को ही अगर हम किसी और नाम से किसी और फंक्शन में उसे यूज़ करें एज ए रेफरेंस, तो वी कैन क्रिएट द रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने का एक सिंटेक्स है, इसको लिखने का एक पार्टिकुलर सिंटेक्स है जो C++ लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि ये कोई मेमोरी नहीं लेती है, ये ऑलरेडी जो क्रिएटेड मेमोरी है उसी को दूसरे नाम से हम लोग एलियास कर देते हैं। एलियास एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि सेम मेमोरी बट हैव डिफरेंट नेम। सो इन C++ लैंग्वेज वी कैन क्रिएट वेरियस नेम ऑफ सिंगल मेमोरी विच इज़ क्रिएटेड इन एनी फंक्शन विच इज़ लोकल टू एनी फंक्शन। इसको एक लाइव एग्जाम्पल से देखें। अगर मान लो कि हमारा कोई नाम है XYZ जो हमारे स्कूल नेम से है, और सेम पर्सन का नाम अगर घर में कोई और है तो हम कह सकते हैं कि ये दो नाम हैं जो एक ही बॉडी यानी एक ही ह्यूमन बींग का दो नाम। जैसे घर में आपको किसी और नाम से जाना जाता है, स्कूल में आपको किसी और नाम से जाना जाता है, और आपके फ्रेंड सर्किल में भी आपका कुछ और नाम हो सकता है। तो ये ऑल दीज थ्री नेम्स आर जस्ट द रेफरेंस ऑफ सिंगल ह्यूमन बॉडी। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में हम अगर चाहें तो किसी एक मेमोरी का, जो किसी भी वेरिएबल के द्वारा क्रिएट किया गया हो, उसका रेफरेंस बना के हम लोग अलग अलग नामों से उसके बारे में उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल एज ए पॉइंटर वर्क करती है, लेकिन पॉइंटर की तरह 2 bytes मेमोरी कंज्यूम नहीं करती है दोस्तों। सो आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है रेफरेंस वेरिएबल एंड यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल फंक्शन कॉल बाई रेफरेंस टेक्निक इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रेफरेंस वेरिएबल का, जिसको हम लोग एक प्रेजेंटेशन के द्वारा देखेंगे, और प्रेजेंटेशन के साथ साथ उसके बाद उसका एक प्रोग्राम बना के उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करके हम लोग देखेंगे कि रेफरेंस वेरिएबल कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये वीडियो अंत तक देखिए, चूँकि लास्ट तक आपको सारा कंक्लूजन मिलेगा, सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और चलते हैं प्रेजेंटेशन सेशन में रेफरेंस वेरिएबल और कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू। वेलकम टू प्रेजेंटेशन सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट पावरफुल फंक्शन कॉलिंग टेक्निक इन C++ लैंग्वेज। कॉल बाय रेफरेंस काफ़ी पावरफुल फंक्शन है,
ये कैसे पावरफुल है आज हम इस वीडियो में जानेंगे C++ लैंग्वेज की मदद से। इन दिस टेक्निक द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर और एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स आर नॉट रिसीव्ड बाय द फॉर्मल पैरामीटर्स। जैसा कि पिछले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कॉल बाय वैल्यू फंक्शन टेक्निक में हम लोग एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को पास करते हैं और कॉल बाय एड्रेस में एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेस को पास करते हैं, लेकिन इस टेक्निक में इस दोनों में से किसी की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो तीसरा पॉइंट जो हम लोग देखें यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस टेक्निक्स दिस टेक्निक्स यूजेज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग पिछले दो टेक्निक्स के अलावा जो यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल वेरिएबल यूज करेंगे जिसको रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं और जो एक्चुअल पैरामीटर्स को रेफरेंस करने का काम करेगा। और इसकी सबसे खासियत क्या है, दिस रेफरेंस वेरिएबल हैज नॉट रिक्वायर मेमोरी बिकॉज इट इज जस्ट द सेकेंड नेम ऑफ एनी स्टैंडर्ड वेरिएबल बाई विच इट विल बी इनिशियलाइज। ये मेमोरी को अपनी कोई इस वेरिएबल को अपनी कोई मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये एक दूसरा नाम, इट जस्ट क्रिएट अनदर नेम ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएबल। जिस भी वेरिएबल से इसे आप इनिशियलाइज करेंगे उस वेरिएबल का ये दूसरा नाम हो जाएगा और उस नाम से आप कोई भी चेंजेस इस फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, रेफरेंस वेरिएबल इज यूज टू रिड्यूस द मेमोरी कंजप्शन। निश्चित तौर पे अगर पॉइंटर एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहा है और रेफरेंस वेरिएबल कोई मेमोरी नहीं ले रहा है, हम कह सकते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम के लिए मेमोरी सेविंग का काम कर रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे SQLT नाम का एक फंक्शन हमने बनाया है यहाँ, जिसमें फॉर्मल पैरामीटर में हम लोग यूज कर रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल। ये देखिए एक इंडिकेशन है या रेफरेंस वेरिएबल का, और SQLT फंक्शन में को कॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक्चुअल पैरामीटर हमारा ए है, जैसे ही ये एक्चुअल पैरामीटर रेफरेंस वेरिएबल से इनिशियलाइज होगा तो जिस मेमोरी का नाम ए के लिए जो मेमोरी क्रिएट हुआ उसी मेमोरी का एक और नाम एक्स हो जाएगा, और जो भी चेंजेस हम लोग इस फंक्शन में एक्स के द्वारा करेंगे वो सारे चेंजेस ए में भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एक रेफरेंस का काम कर रहा है। और जिस तरह से पॉइंटर से हम लोग चेंज करते थे पॉइंटर की मदद से एड्रेस को भेज के, सेम उसी तरीके से रेफरेंस वेरिएबल भी काम कर रहा है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये रेफरेंस वेरिएबल मेमोरी क्रिएट नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा, और पॉइंटर मेमोरी क्रिएट कर रहा था। तो हम लोग दो तरीके से किसी भी वेरिएबल को रेफरेंस कर सकते हैं, एक पॉइंटर जिसमें आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट हो रहा है फॉर द पॉइंटर, और एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भी मेमोरी को रेफरेंस कर सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लग रहा है। तो रेफरेंस वेरिएबल इज वन ऑफ द पावरफुल फीचर ऑफ C++ बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट एनी मेमोरी फॉर रेफरेंसिंग द वेरिएबल, इट इज यूज टू सेव द मेमोरी। निश्चित तौर पर अगर कोई मेमोरी क्रिएट नहीं हो रही है तो हमारे प्रोग्राम के लिए मेमोरी सेव हो रही है। इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड रादर देन द पॉइंटर कॉन्सेप्ट। आप देखिए पॉइंटर में एड्रेस को मैप करना पड़ता है, एड्रेस की जो कैलकुलेशन है वो निश्चित तौर पर एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। आपको रेफरेंस वेरिएबल में किसी भी एड्रेस की जरूरत नहीं होती है, जस्ट चूंकि यहाँ पे एड्रेस और मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप कोई वेरिएबल क्रिएट किया बस उसका कोई दूसरा नाम आप क्रिएट कर दो एज ए रेफरेंस वेरिएबल, तो इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। रेफरेंस वेरिएबल ऑलवेज इनिशियलाइज बाय द सेम टाइप ऑफ वेरिएबल इन ओनली वंस टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। आप देखो जैसे पॉइंटर इंटीजर टाइप का, अगर किसी वेरिएबल का पॉइंटर आपको बनाना है तो वो भी इंटीजर टाइप का होना चाहिए, उसी तरह से अगर कोई इंटीजर टाइप के वेरिएबल का रेफरेंस वेरिएबल बनाना है तो वो भी इंटीजर होना चाहिए। हाँ एक बात है, जिस वेरिएबल से आप इसको इनिशियलाइज कर दोगे वो केवल उसी को रेफरेंस करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आर किसी और को, ये जो आर रेफरेंस वेरिएबल है किसी और दूसरे वेरिएबल को भी रेफरेंस करे, ये संभव नहीं है। लेकिन पॉइंटर में आप कर सकते हैं, अगर अभी एनओ का अगर एड्रेस है पी में तो वो उसको पॉइंट कर रहा है। आगे चल के अगर आप एक्स किसी एक्स वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में डाल दोगे तो वो एक्स को भी पॉइंट करने लगेगा, वो चीज रेफरेंस वेरिएबल में नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ ले रहे हैं, एक वेरिएबल टी और उसका एक रेफरेंस बना रहे हैं ए। कैसे बना रहे हैं आप देख लीजिए, चूंकि इन सबों की प्रोग्राम में आपको जरूरत पड़ेगी। साथ में एक कॉन्सेप्ट और भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कैन वी क्रिएट द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पॉइंटर, यस वी कैन, बस हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर ये करेक्टर पॉइंटर पी है तो अगर इस पी के मेमोरी का रेफरेंस अगर आप बनाना चाहते हैं
तो आपके इस रेफरेंस का जो टाइप होगा वो भी कैरेक्टर पॉइंटर होना चाहिए। जैसे इंटीजर का इंट होता है वैसे यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर है, तो कैरेक्टर पॉइंटर ही इसका टाइप होगा और हम लोग किसी भी पॉइंटर को रेफरेंस कर सकते हैं। ए वेरिएबल कैन हैव मल्टीपल रेफरेंसेस, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑफ देम इफेक्ट्स अ चेंज इन ऑल अदर्स। जैसे देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल का एक से ज़्यादा रेफरेंस बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो टी का एक रेफरेंस बनाया ए, अगर आप चाहते हैं टी का एक और रेफरेंस बन जाए बी, तो आप लिखो इंट रेफरेंस वेरिएबल का मार्क एम्परसेंट साइन बी इक्वल टू टी, तो बी भी इसका नाम हो जाएगा, सी भी कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, और उसके बाद अगर आप इसमें से किसी भी नाम से चेंज करोगे तो वो इस मेमोरी पे चेंज हो जाएगा, और इस मेमोरी पे चेंज हो जाएगा तो किसी भी वैल्यू किसी भी नए नेम से अगर आप उसको प्रिंट कराओगे तो वो चेंज वैल्यू ही वहाँ पे प्रिंट होगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे अब एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं क्या 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 कॉल बाय वैल्यू हम लोग कॉल बाय रेफरेंस से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं, अगर हम लोग इस रेफरेंस वेरिएबल को कांस्टेंट कर दें, बेसिकली अगर आप रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे एक से अगर आप चेंज करेंगे तो इसके एक्चुअल पैरामीटर में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ये कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट वेरिएबल से कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये हम लोग समझ सकते हैं। और यहाँ देखिए हमने दोनों रेफरेंस वेरिएबल को कांस्टेंट बना दिया है, तो इस तरह से ए और बी जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है इसमें कोई भी चेंजेज हम लोग पिछले फंक्शन से नहीं कर सकते हैं। तो अब एक कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड हम लोग अगर चाहें तो कॉल बाय वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू कॉल बाय रेफरेंस, और विदाउट कॉन्स्ट वी कैन इम्प्लीमेंट कॉल बाय एड्रेस थ्रू कॉल बाय रेफरेंस। तो इस तरीके से कॉल बाय रेफरेंस निश्चित तौर पर पावरफुल फीचर हुआ सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, जो कि आज इस प्रेजेंटेशन का थीम है कि कॉल बाय रेफरेंस इज ए पावरफुल फीचर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। निश्चित तौर पे ये वो टेक्निक है जिससे आप कॉल बाय वैल्यू को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कॉल बाय एड्रेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो कॉल बाय रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत पावरफुल फीचर है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, जिसको हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के थ्रू देखा। अब आगे इस वीडियो के अंतिम पार्ट में हम लोग इसका प्रोग्राम सेशन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्राम सेशन ऑफ दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस, जिसमें हम लोग रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करेंगे। आपने बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखा होगा प्रेजेंटेशन सेशन में, तो चलिए उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग कॉल बाय रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके कॉल बाय एड्रेस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं वाइड स्वैप का, जिसमें हम लोग दो रेफरेंस वेरिएबल यूज करेंगे। फंक्शन में हम लोग एक्स और वाई रेफरेंस वेरिएबल की मदद से फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू को इंटरचेंज करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक टेम्प्रोरी वेरिएबल टी ले लें और फिर टी इक्वल टू एक्स कर लें, एक्स इक्वल टू वाई और वाई इक्वल्स टू टी, जो कि एक्स की पुरानी वैल्यू है। इस तरह से आपने पिछले वीडियो में देखा होगा पॉइंटर की मदद से हम लोग कैसे वैल्यू को इंटरचेंज किए थे। अभी इस वीडियो में इस प्रोग्राम में हम लोग रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। चलिए मेन में क्या क्या चेंजेस करने होंगे उसे हम लोग कर लें। मेन में आपको दो वेरिएबल रखना पड़ेगा, ए इक्वल टू सपोज दैट हम 10 मान लेते हैं, बी इक्वल टू 20। दो वेरिएबल हम लोग यूज़ कर लिए। अब फंक्शन स्वैप को कॉल करने से पहले एक बार हम लोग मैसेज प्रिंट कर लें।
नाम जाएंगे, अभी तो आपको लग रहा होगा जैसे कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि आर्गुमेंट में हमारे फंक्शन में रेफरेंस वेरिएबल है तो केवल इसके नाम को अपने आप को इनिशियलाइज करने के लिए वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैसेज को आप चेंज कर लें आफ्टर स्वैप, तो इस तरह से प्रोग्राम कंप्लीट, इसको आप कंपाइल कर स्वैप ए की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है यहाँ पे, आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक किया है, एक बार देख लें प्रोग्राम को। हाँ, यहाँ हम लोगों ने ए को प्रिंट नहीं किया है, ए की वैल्यू को, इसलिए वो प्रिंट नहीं हो रही है। और एक और यूजर मिस्टेक है, आप यहाँ भी बिफोर स्वैप ए इजकल टू 10, बी इजकल टू 20, आफ्टर स्वैप ए इजकल टू 20 और बी इजकल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने स्वैप फंक्शन से रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके ए और बी के वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया है। तो आप यहां देख सकते हैं विदाउट यूजिंग पॉइंटर, इट मीन्स यूजिंग रेफरेंस वैल्यू। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने देखा है यहाँ पे, तो ये हमारा प्रोग्राम है। फिर देखिए इस प्रोग्राम में हम लोग एक प्रेजेंटेशन में हम लोग एक कॉन्सेप्ट और हम लोगों ने देखा कि वी कैन इंप्लीमेंट कॉल बाय वैल्यू टेक्निक यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, क्या ये संभव है? हाँ, हमने देखा प्रेजेंटेशन में एक कीवर्ड है हमारे पास, कॉन्स्ट कीवर्ड, अगर हम लोग इसको रेफरेंस वेरिएबल के साथ यूज़ कर दें तो ये कहीं ना कहीं कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय वैल्यू की तरह काम करने लगेगी। चेक करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जैसे हमने कॉन्स्ट लगा दिया, अगर ये कॉल बाय वैल्यू हो गई तो ये जो इंटरचेंज करने का काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एरर देगा, इसको चेक कर लीजिए दोस्त। चलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ? ये कॉल बाय वैल्यू की तरह काम कर रहा है। हाँ, आप यूज कर सकते हो, जैसे कॉल बाय वैल्यू में हम लोग यूज करते हैं, तो इसको एक बार कॉमेंट करके और सिंपल यूज करके देखिए आप काम कर रहा है। X और Y को प्रिंट करके आप देख लीजिए, चला गया, इसका मतलब ये काम कर रहा है, प्रिंट भी हो रही है वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल में कॉन्स्ट लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड वेरिएबल। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे जो आपने प्रेजेंटेशन में देखे हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और इन दो कॉन्सेप्ट को भी आप इम्प्लीमेंट करके अपने से देखेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा वहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट और समझने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, तो आप इसे लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, चूँकि उन्हें भी ये हेल्प करेगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे लिए नए यूज़र हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है इस हमारे जो भी वीडियो है उससे रिलेटेड, तो वो भी हमें आप ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ आज यहीं पे हम लोग करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू।